बचने के लिए लोग मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी भी कमी पड़ने लगी है। हालांकि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में महिला स्व सहायता समूह ने मोर्चा संभाल लिया है और ये इन दिनों मास्क तैयार करने में जुटा है। जिलेवासियों के लिए महिला स्व सहायता समूह द्वारा अब तक 3000 मास्क तैयार किए जा चुके हैं, वहीं अभी 5000 मास्क और बनाए जाने हैं, जिसके लिए समूह की सभी महिलाएं दिन रात काम में जुटी हुई हैं। महिलाओं की इस लगन को देखकर कलेक्टर इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उनके मुताबिक जिले का महिला स्व सहायता समूह एक नई मिसाल कायम कर रहा है। महिलाओं को यहाँ पे अभी कलेक्टर साहब के द्वारा 50000 का दिए हैं, तो हम लोग यहाँ 10-15 समूह की महिलाएं काम कर रही हैं और हम लोग सभी चाह रहे हैं कि जो महामारी फैली हुई है उसके रोकथाम के लिए हम लोग सहयोग करें प्रशासन की, इसलिए हम लोग दिन रात करके सभी समूह की महिलाएं अपना काम कर रहे हैं। मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, केवल वही जो है मास्क पहनने की आवश्यकता है जिनमें लक्षण हैं या जो संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं, उनकी उनके उनका ध्यान रख रहे हैं, तो केवल उन्हीं के द्वारा जो है मास्क पहना जाना है। तो इसीलिए मास्क के लिए कृपया कहीं पर बैठी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मास्क जिला अस्पताल में उपलब्ध। कलेक्टर साहब की पहल पर हम लोग यहाँ पे महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से ये काम चालू किए हैं। मेन उद्देश्य हमारा ये है कि सूरजपुर में हमारे सभी नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए कम से कम मास्क के जो शॉर्टेज है मार्केट में उस कमी को हम दूर कर सकें। और अभी स्वास्थ्य विभाग से हमें 50000 मास्क सप्लाई करने का एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे जो यहाँ पर स्वैच्छिक संस्थान हैं और जो बड़ी बड़ी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो लोग भी इसको मुफ्त में मास्क बांटने के लिए हमसे काफ़ी डिमांड कर रहे हैं।